Hello everybody, you are watching Sushma's Diary and welcome back to my channel. Those who are new here, please subscribe my channel जहाँ मैं बताती हूँ जिंदगी से जुड़े कुछ hacks, tips and experience of my lifestyle. आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास है जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि मैंने आफ्टर डिलीवरी 20 kg वेट कैसे रिड्यूस किया विदाउट गोइंग जिम इन दिस लॉकडाउन पीरियड. और ये वीडियो न्यू मॉम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो सोच रही हैं कि अब उनका वेट कैसे कम होगा और लॉकडाउन में जिम भी बंद हो गई हैं और इधर उधर कहीं भी जाना एंड एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड, तो अब उनका घर बैठे बैठे वज़न और ज़्यादा बढ़ जाएगा. सो डोंट बी डिप्रेस्ड लेडीज़. मैं आपसे शेयर करूँगी कि इस नेगेटिव सिचुएशन को हम कैसे बेनिफिट्स में कन्वर्ट करें. और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ पर्सनल टिप भी शेयर करूँगी, तो मेरे साथ बने रहिए और लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. ओके, सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी. मेरा अभी एक 1.5 साल का प्यारा सा बेटा है, तो मैंने 20 kg वेट पुट ऑन किया और मेरा सिजेरियन हुआ और मेरा बेबी 4 kg का हुआ एंड ही वॉज़ वेरी हेल्दी एंड क्यूटेस्ट बेबी. मैं यहाँ उसके कुछ पिक्चर्स डाल दूँगी. ही वॉज डैम क्यूट. तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है वॉक एंड मसाज. डिलीवरी के बाद में क्योंकि सिजेरियन थी तो 15 डेज तक मैंने रेस्ट किया और उसके बाद में मैंने 1 month की मसाज, बॉडी मसाज, हेड मसाज ली. ये बहुत बहुत ज़रूरी होती है मसाज लेना, क्योंकि मसाज से आपके पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और आपके बाद में आपको कोई भी बैक पेन, बॉडी पेन, हेयर फॉल, आईसाइट प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता है. और आप और मसाज करवाने से आपके बॉडी में धीरे धीरे वेट जो स्टबन फैट होता है वो धीरे धीरे मेल्ट होता है. और साथ के साथ आप जब वॉक करते हैं तो वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है धीरे धीरे वेट को रिड्यूस करने में. तो ओके, तो मसाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. साथ ही में वॉक शुरू करना बहुत ज़रूरी है. 15 डेज तक तो बेड रेस्ट रहता है सिजेरियन को लेकर, और 1 month बाद मैंने अपने रूम से बाहर हॉल में या बाहर गैलरी में इस तरीके से मैंने अपने घर में धीरे धीरे वॉक करना स्टार्ट कर दिया. उसके बाद में आफ्टर 3 month मैंने अपने बेबी को जो बॉडी हगिंग बेल्ट होती है उसके अंदर उसको बिठा कर और छत पे 1 घंटा वॉक करना स्टार्ट कर दिया. तो जो हम लोग जिम में वेट लिफ्टिंग वाला काम करते हैं वही चीज़ हम घर में रहकर कर सकते हैं. लाइक अपने बेबी को हमने होल्ड किया, तो आपका बेबी जब तक 5-6 kg का तो हो ही जाता है आफ्टर 3 months, तो 5 kg वेट आप लेकर और वॉक कर रहे हैं तो आपका फैट वैसे ही धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, स्टार्ट हो गया है रिड्यूस होना. तो वॉक करना फ्रॉम द फर्स्ट डे, अगर नॉर्मल है डिलीवरी तो फ्रॉम द फर्स्ट डे आप स्टार्ट करते रहें और ग्रेजुअली उसको बढ़ाते रहें, तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनी रहती है और आगे चल के जब आप एक्सरसाइज या फिर 6 month बाद में आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलता है. नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी मॉपिंग, स्वीपिंग, झाड़ू और पोछा करना. येस, आपने सही सुना है, क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते जिम में जाकर, तो हम घर पे कोई ऐसा काम ढूंढें जो कि हमें सिमिलर एक्सरसाइज जो कि हम जिम में करते हैं उससे सिमिलर हमें घर पे करने को मिले. तो पोंछा लगाना बहुत ही फिजिकल बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जिसमें हम लोग हमारे क्रंचेस हो जाते हैं, हमारे स्क्वाड्स हो जाते हैं, हम हमारे हैंड्स मूवमेंट्स हो जाते हैं एंड सिटअप्स हो जाते हैं. तो ये सारा कॉम्बिनेशन एक पोंछा लगाने में ही सब सारी एक्सरसाइजेस हो जाती हैं. तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप घर में एक ये वाली एक्टिविटी खुद जानबूझकर चाहकर ये एक्टिविटी करें तो आपको बहुत बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे और बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आएगा आपकी बॉडी में. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि लॉकडाउन में जब एक मेरे सामने एक सिचुएशन आई कि मेड्स वगैरह सब नहीं आ रही हैं घर में, तो मैंने जब साफ़ सफाई करने की बारी आई तो मैंने खुद ने ये डिसाइड किया कि घर में साफ जो मॉपिंग स्वीपिंग वो मैं करूँगी. उससे क्या होगा कि
मेरी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो होती रहेंगी। और फिर मैंने देखा इन 3 मंथ्स मेरा पेट जो कि बाहर आ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान वो भी अंदर चला गया। तो कुछ फ्रेंड्स अब ये कहेंगे कि ये एक्सरसाइजेस तो हम नॉर्मल वीडियोस भी देखकर कर सकते हैं और बिल्कुल बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये है, जैसे मैंने भी स्टार्ट किया था घर पर और मेरा वेट काफ़ी था उस टाइम पर, तो मैं सही पॉस्चर में एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी और मेरे सामने वीडियो चल रहा है और मैं तो पोस्चर ही नहीं बना पा रही हूँ। और विदाउट ट्रेनर आप घर पे सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं इतने सारे वेट के साथ में, तो मेरे लिए वो सक्सेसफुल नहीं रहा। और झाड़ू पोछा करना क्योंकि एक काम है हमें करना है, बस एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि हमको पोछा जो है वो घुटनों के बल नहीं लगाना है, स्क्वाड की पोजिशन में ढंग से बैठ के पोछा लगाना है, उससे ही हमें रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट मैं डिस्कस करना चाहूँगी ब्रेस्ट फीडिंग। यस, ब्रेस्ट फीडिंग से भी वेट कम होता है। आपको डॉक्टर भी यही सलाह देता है कि आप 1 साल तक अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाइए, लेकिन ये मैंने खुद ने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि 1 ईयर तक तो आप में थोड़ा थोड़ा वज़न कम होगा आपका, लेकिन एक ड्रास्टिक चेंज आएगा जब मैंने उसको 1 साल के बाद तक कंटिन्यू रखा फीडिंग करवाना, तब वो मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस लगे मेरे बॉडी में। और ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है वेट रिड्यूस करने का, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी टोन्ड रहती है, एकदम से कहीं से रिड्यूस हो गया कहीं से नहीं, ऐसा नहीं, पूरी बॉडी जो है वो टोन्ड रहती है, जो कि बहुत मुश्किलों से अगर हम जिम में भी जाके एक्सरसाइज करते हैं तो भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं जो हमें सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बोलेंगे उसको, क्योंकि वो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होता अगर लॉकडाउन नहीं होता। यस, डाइट प्लान या हेल्दी फूड खाना। मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है अच्छी अच्छी चीज़ों को अवॉइड करना, तो लेकिन ये लॉकडाउन में मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा कि अब क्योंकि बाहर जाना, शादी पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़, एवरीथिंग नहीं है पॉसिबल, जाना सब बंद हो गया है, तो अब बाहर नहीं जाना, शॉपिंग नहीं करनी, तो बाहर का खाना भी नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, अब हमें घर पे रहना है, घर पे रह के हेल्दी फूड खाना है, तो ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो ये आपको भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले जाइए और घर पर हल्का और सिंपल खाना खाइए। अगर आपको कुछ स्पेशल भी खाना है तो आप कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन वो घर का बना हुआ होता है तो वो हेल्दी तो हो गई, और हेल्दी फूड खाएंगे तो आपका वज़न जो है वो आपकी बॉडी टोन रहेगी और वज़न भी मेंटेन रहेगा, तो मेरे लिए बहुत अच्छा पॉइंट रहा और आई होप ये आपके साथ भी काम करे। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है लॉट्स ऑफ वाटर। यस लेडीज़, आपको बहुत सारा पानी पीना है उस टाइम पे। मैंने कुछ लोगों से ऐसा सुना था कि ज़्यादा पानी पीने से आपका पेट फूला रह जाता है, वो अंदर नहीं जाता है, ये मुझे मेरे साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ कि आप ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेरे डॉक्टर ने मुझे बहुत पानी पीने की सलाह दी, मेरी डिलीवरी सर्दी में थी और फिर भी मैंने बहुत पानी पिया, क्योंकि पानी आपकी बॉडी की जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको बाहर निकालने में हेल्पफुल रहता है और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है और ब्रेस्ट फीडिंग में भी बहुत हेल्पफुल रहता है पानी, तो पानी बहुत ज़रूरी होता है आपकी बॉडी के लिए। तो ये तो हो गई पानी की बात, लेकिन मैं कुछ 1-2 टिप्स इसमें और ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप जीरे का पानी या अजवाइन का पानी पियेंगे तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदे दिखाई देंगे। अगर आपकी डिलीवरी सर्दियों में है जैसे मेरी थी, तो उसमें आप अजवाइन का पानी पी सकते हैं, सुबह 1 ग्लास और शाम को 1 ग्लास। और अगर आप गर्मियों के सीज़न में हैं तो आप जीरे का पानी पी सकते हैं, क्योंकि वो ठंडक देता है और दोनों ही चीज़ ब्रेस्ट फीड को इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल हैं। ये चीज़ आपको करनी कैसे है, रात भर 1 ग्लास पानी में 2 चम्मच जीरा या भिगो के रख दीजिए और सुबह उसमें एक उबाल आने तक उसको गर्म करके ठंडा करके उसको सुबह पीजिए और उसी पानी को 1 ग्लास शाम को पीजिए। और अगर आप सर्दियों में हैं तो जीरे की जगह आप अजवाइन लीजिए और यही सेम प्रोसेस आप अजवाइन के साथ कीजिए। ये बहुत हेल्दी वर्जन है वेट को लूज़ करने का, और इस चीज़ को आप कंटिन्यू रखिए, आपको बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स थे जिनको ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत हेल्दी मैनर में अपना वेट कम किया और विदाउट
जिम ज्वाइन किए और मतलब मैंने जिम ज्वाइन किया था लेकिन मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला और मैं उसे कंटिन्यू भी नहीं कर पाई, तो वो क्योंकि बच्चे के साथ में पॉसिबल नहीं होता है। तो घर में रहकर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सच में आपका वज़न कम होता है और होगा अगर आप इन चीज़ों को शुरू से फॉलो करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप का वज़न ज़रूर कम हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हेल्दी मैनर में वेट कम करने का ये सबसे अच्छे टिप्स हैं, आप इनको फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और एक लास्ट टिप जो मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के एंड में आपसे शेयर करूँगी वो ये है कि बी पॉजिटिव। येस, आफ्टर डिलीवरी बहुत सारे स्विंग्स, मूड स्विंग्स होंगे आपको और आप डिप्रेशन में भी जाती हैं लड़कियां वेट को लेकर या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप पॉजिटिव रहिए। आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपका आसपास का माहौल पॉजिटिव रहेगा, आपके साथ में जो भी रहता है, आपके इन-लॉज, आपकी फैमिली जो भी रहते हैं वो लोग भी पॉजिटिव रहेंगे, आपका बेबी भी खुश रहेगा और एक हेल्दी मैनर में आप धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को फेस करते जाइए, क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, लेकिन ये याद रखिए कि जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो चले भी जाएंगे, उनको लेकर आप कभी भी स्ट्रेस मत रहिए, ये एक दौर है, ये धीरे धीरे और खुशी से आप इस चीज़ को इंजॉय करिए और खुश रहिए। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, यू गाइज आर ब्यूटिफुल द वे यू आर, बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट। तो यही मेरा मंत्रा है और मैं इसी को फॉलो करती हूँ। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी इस वीडियो के ज़रिए, मैं अपनी मदर इन लॉ को और अपनी मम्मी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरी मदर इन लॉ के साथ मैं मेरी डिलीवरी के दौरान ज़्यादा समय रही उनके पास में और उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार दिया, मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मम्मी ने दूर रहकर भी मुझे टिप्स दिए और मुझे सलाह देती रही वो टाइम टू टाइम, तो आप दोनों को दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप दोनों ने मेरी प्रेगनेंसी और मेरी आफ्टर डिलीवरी की जो जर्नी थी उसको बहुत स्मूथ बना दिया और बहुत ही प्यार से ये जर्नी निकल गई। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे आप जैसी दो दो माएँ मिली। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, लव यू। तो गाइज, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको इससे रिलेटेड और कौन से वीडियोस देखने हैं। और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट दैट यू गाइज आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। सो स्टे हैप्पी, स्टे कॉन्फिडेंट, बाय।